मध्ये एक्सरसाइज कंप्लीट केली होती. आणि इस व्हिडिओ के अंदर आपण 12.4 जो अपने चलिए सर्किल के साइक्लिक क्वाड्रेंट के बारे में देखेंगे. जैसा कि आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका एक अपना सीधा धर्म है कि द सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 देन इट विल बी ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. यदि किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा. फॉर एग्जाम्पल कि कोई अभी हमें पता है दोनों मास में क्या होना चाहिए, 180
आप वही लाइन देखो ये ऑफिस वी नो मैं बताया सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइड क्वाड्रेंट इक्वल 180 ओके सो x plus 2.7x equal 180 दोनों का आंसर आएगा 7 तो 7x plus 2x is equal 180 7 to 9.7x equal 180 अभी काम है x को भागे ऐसे पर x is equal 180 जब बाहर जाएगा रेशियो तो जाएगा 7 to 9, 9 to 180 x is equal 27 to 140 डिग्री x की वैल्यू कितनी आ गई 140 डिग्री x क्या था अपने इसको माना था x अपने सेकंड एंगल को माना इसको माना सेकंड एंगल सो सेकंड एंगल 140 फर्स्ट एंगल क्या आएगा 2.7x तो 2.7 मल्टीप्लाई 140 7 मल्टीप्लाई 40 दिया हमारे पास दोनों ही आ चुके हैं फर्स्ट एंगल 40 डिग्री सेकंड एंगल 140 डिग्री तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है अभी अपना फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो चुका है इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला उसमें आपको दिया हुआ डायग्राम दिया गया है और फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y या फाइंड द एंगल्स a b c एंड d आपको निकालना है यू नो दैट a plus c का सम 180 होता है b plus d का सम भी 180 ही होता है तो आपको वही थ्योरम यहां फॉलो करनी है फॉलो करके आपको नोट करना है कि अपन ने कौन सी थ्योरम लगाई है मैं आपको यहां स्टेप बताऊं उसको we know sum of opposite angle of cyclic quadrilateral is 180 so angle a plus c angle a plus c equal 180 my question first angle b plus angle d equal 180 तो दोनों का सम 180 होना चाहिए दोनों का सम क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए by first equation by first equation अपन पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में क्या है a plus c a का मतलब y plus 2y is equal 180 2y over y 3y is equal 180 y is equal 180 divided by 3 is equal 62 y की वैल्यू क्या है 62 आपके पास एंगल a एंगल a का मतलब y 60 आ गया और एंगल c एंगल c 2y है 2 by 60 = 120 a और c आ चुका है अभी दूसरी क्वेश्चन लेंगे by second equation by second equation सॉल्व करेंगे अपन सेकंड में क्या दिया है d d plus d d का सम क्या 2x 2x plus 3x is equal to 180 3 to 5x is equal to 180 x is equal 180 divided by 5 x ये x की वैल्यू आ गई सो एंगल b b क्या है 2x 2 मतलब 5 is equal
72 और एंगल डी इज इक्वल 3/36 108। चलो एक लगते हैं, आप चाहो चलो एक साथ वापस से लिखो, एंगल ए इज इक्वल 60, एंगल बी इज इक्वल 72, एंगल सी इज इक्वल सी कितने का आया था 120 और डी इज इक्वल 108। चलो एक बार हमारे प्रश्न चुके हैं, अभी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें आपको एक डायग्राम दे रहे हैं, दो सर्कल दे दिया आपको, उसके अंदर दोनों सर्कल में सेकंड पॉइंट ले लेना है, पहले वाले सर्कल में नहीं दूसरे वाले में। पहले वाले में कौन सा है, ए बी ई एफ, दूसरा में क्या है, बी सी डी। बी सी डी आपको एक थ्योरम बता दूं, मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, एक थ्योरम है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमें पता है आपको तो कहता समझ नहीं होता है, किसी एक एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल ये इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा उसके अंदर के अपोजिट, दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। मैं बात ध्यान से बता, मैंने क्या बोला, दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब बाहर वाला एंगल जो है वो इक्वल होगा अंदर के सामने वाले। मतलब सपोज कीजिए यदि ये 60 डिग्री का है तो अंदर के सामने वाला ये भी 60 का होगा, यदि ये 40 का है तो अंदर के अपोजिट वाला भी 40 का होगा। इट मीन इंटीरियर के अपोजिट जो अंदर को उसके सामने वाला वह इक्वल होगा, ये थ्योरम है, तो अपन उसके बेस पर क्वेश्चन रखना। हमें दिया हुआ है ए और एफ, एंगल ए इज इक्वल 65 डिग्री और एंगल एफ इज इक्वल 91। अब आपसे देखो अभी मैंने थ्योरम बताई, ए 65 का है तो ई एंगल कितने का आएगा, 65 का आएगा, because its opposite exterior angle, opposite exterior A है, definitely A होगा 65, ये 91 का आएगा, ये दो तो हमारे find हो जाएंगे। Let's see करते हैं अपन कैसे करेंगे, थोड़ा हमने आपको करनी है, कौन सी, we know angle A, angle A is equal angle, इसका नाम क्या है, BED, क्यों इक्वल क्यों है, और इक्वल A, या अपन एक काम करते हैं, खुद पहले लिख देते हैं, खुद पहले पूरी लाइन कोड कर देंगे अपन, we know the exterior angle is equal to its interior opposite angle. So angle A is equal angle BED. BED equal A is equal 65. मतलब A जो है इस E की इक्वल है, इस E की वैल्यू A है और A की वैल्यू 65 डिग्री है, और ये वाला भी एंगल F इक्वल है, इसका नाम बताओ E B C equal C equal 90। दोनों आ गए, हमारे पास दोनों आ चुके हैं, A B आ गया और C B आ गया। अब जब A आ गया तो B आ सकता है,
क्यों? अपोजिट एंगल सम 180 होता है, ये अपन ने किया यहां, इसमें भी किया हमने। सो वी नो ये पता है क्या, सम ऑफ अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। कितना होता है 180 का होता है। सो एंगल, एंगल के नाम में कौन चाहे ए ओ बी सी डी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए प्लस बी इक्वल 180 इज इक्वल 180 और सी प्लस डी, सी प्लस डी इक्वल 180। दोनों आ गए, दोनों से कितना होता है 180 होता है। किसी एक इक्वेशन उसको कहते हैं फाइन फर्स्ट इक्वेशन। ए प्लस डी एक की वैल्यू कितनी है 65 प्लस डी इक्वल 180 और डी इज इक्वल 180 माइनस 65 100। ओके अभी नेक्स्ट फाइव सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है, सी प्लस बी, सी प्लस बी, सी प्लस बी इक्वल 180। सी की वैल्यू कितनी है 90। यहां पर देता हूं मैं, सी की वैल्यू कितनी है 91, 91 प्लस बी इक्वल 180, बी इज इक्वल 180 माइनस 91 इज इक्वल 89। प्लस ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया और डी भी आ गया। चार लाइन सब जो इक्वल हो गया ना, ए की वैल्यू कितनी है अपनी 65, बी की वैल्यू कितनी है अपनी 89, सी की वैल्यू कितनी है अपनी 91 और डी की वैल्यू कितनी है अपनी 150। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में अपने जो ये क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कंप्लीट हो गए हैं। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास में अपन जो आगे क्वेश्चन पेंडिंग है वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।